हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो कुछ उपयोगी जो सूचना थी, जानकारी थी, और वो आप लोगों के साथ शेयर करना था। जैसा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे RO ARO 2016, क्योंकि RO ARO 2017 की टाइपिंग हो रही है और रिजल्ट आने वाला है, और RO ARO 2020 की वैकेंसीज भी आएंगी इस ईयर में। तो 2016 पेंडिंग में जो था उसके विषय में मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये वैकेंसी जो है अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई है, क्योंकि जो IPS अधिकारी लखनऊ के थे अमिताभ ठाकुर जी ने, इन्होंने हाई कोर्ट में जो CBCID ने जांच रिपोर्ट दी थी, सबमिट की थी, उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में फिर से रिट दायर कर दी थी। तो उसके संबंध में आज आदेश हुआ है, वो आपको डिटेल्स बताते हैं। और साथ ही इस वीडियो में आपको PGT की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में बताएंगे, और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती योग्यता और लेखपाल की जो नई भर्ती आने वाली है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं RO ARO 2016 के लेटेस्ट अपडेट कब तक आएगा, इसका रिजल्ट इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये रहे अमिताभ ठाकुर जी, इन्होंने आज फेसबुक पे पोस्ट करके बताया कि मैंने नवंबर 2016 में यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा RO ARO 2016 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में FIR कराया था, जिसमें दिसंबर 2018 CBCID ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है। आज लखनऊ कोर्ट ने मेरे प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर फाइनल रिपोर्ट को खारिज करते हुए पुनर्विवेचना का आदेश दिया है। आसान नहीं, तो अब इसमें जो है री इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दिया गया है, यानी फिर से इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगा, तभी जो है रिजल्ट आ पाएगा। आयोग तो तैयार था रिजल्ट देने के लिए, आप लोग देखे होंगे आंसर की भी जारी कर दी गई थी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये भर्ती अभी पेंडिंग रहेगी क्योंकि इसकी जांच फिर से हो सकती है, तो वैसा ही हुआ। और कोर्ट ने जो है फिर से पुनर्विचार के लिए जो है आदेश दे दिया है, अब ये भर्ती और पेंडिंग हो सकती है। मुझे लगता है ये अभी पेंडिंग ही रहे क्योंकि री इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही आगे की कोई प्रक्रिया हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं PGT वैकेंसीज़ की। तो दिल्ली की PGT वैकेंसीज़ आई हैं, जो लोग MA किए हुए हैं और साथ ही साथ BEd किए हुए हैं उनके लिए वैकेंसीज़ है। PGT की कई वैकेंसीज़ हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो बहुत जल्द ही जो वेट कर रहे थे PGT वैकेंसीज़ का, उसमें PGT हिस्ट्री के लिए है, PGT इंग्लिश के लिए है, बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए है, आप लोग को डिटेल बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो भर्ती आज से 2010 के आसपास में हुई थी, उसके विषय में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे। जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में बताया गया था कि इस बार जो है BEO और साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो बहुप्रतीक्षित भर्ती थी उसकी वैकेंसीज आएंगी, और आप इस मौके को जाने ना दीजिएगा, क्योंकि ये हर साल नहीं आएगा कि अटेम्प्ट होगा, अटेम्प्ट नहीं है बल्कि आपको सिलेक्शन लेना है। तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती आ रही है, संभवतः ये जो है जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जनवरी के सेकेंड वीक तक में, ठीक है। जनवरी के सेकेंड वीक के में ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ जाएगी। इसकी योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें PG जो है आप में रहेगा, बाकी जो है फॉर्म आने के बाद जो है एकदम क्लियर होगा कि क्या क्या योग्यता रहेगा, लेकिन इसमें जो है अभी तक PG इसकी योग्यता रहती है। अब बात करते हैं लेखपाल की भर्ती की। तो राजस्व लेखपाल, ये जो लेखपाल की भर्ती आएगी, लगभग 11,000 लेखपाल की भर्ती आएगी। इसका वीडियो जो है राजस्व सचिव जो है वो उनका लेटर भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो लेखपाल की नई भर्ती बहुत जल्द आ रही है 11,000, और ये इंटर लेवल पे होता है, ठीक है। अगर आप वन डे की तैयारी करते हैं UP SSSC के, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। तो दोस्तों साल 2000 वैसे तो बहुत कम भर्ती आ रही है, लेकिन जैसा कि अभी तक न्यूज़ मिल रही, तो साल 2020 में कुछ भर्ती आ रही हैं, तो आप लोग मन लगा करके पूरी मेहनत करके इसी भर्ती में ले लीजिए। वैसे भी वैकेंसीज़ बहुत कम होती जा रही हैं। इस वीडियो को अगर आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग आपके साथ जो है BEd किए हुए हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन खंड शिक्षा अधिकारी BEO का जो है कोर्स शुरू कराया है,
जिसमें आपको ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो लोग भी बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।